तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो आपने जो देखा वो था खट्टा फल, मतलब खट्टी नींबू कह लीजिए या संतरा कह लीजिए जो भी। तो उसका मैंने लंच के साथ खाने के लिए मैंने बनाया, बहुत चटपटा लगता है। लहसुन मिर्ची और चीनी और नमक डाल के चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए। और लंच में मैंने बनाया है मशरूम की सब्जी बनाई है, ये देखिए, और चावल। तो अभी हम सब लंच करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है। इधर मिट्टू को भी दे रहे हैं, है कर रहा है, खा लिए वो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबका लंच निकल चुका है। मेरा खट्टा फल उधर, मेरा बेटा का दे दी, अलग से रख लिया है, ले इधर, इसको इधर, इनको देखिए खा रहे हैं नहीं है। और मेरा ये खट्टा फल मस्त लगता है, मस्त। तो देखिए सब कोई लंच करने बैठ गए हैं, तो चलिए लंच करते हैं, ठीक है। आप सब भी कर लीजिए अपने अपने घर में क्या हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने खा लिया, बहुत तीता हो गया था वो खट्टा फल, एक मिर्ची डाली थी फिर भी बहुत तीता हो गया था। इधर सबके सबका कपड़ा सूख रहा है, जो भी कपड़ा, ये देखिए मौसम, देखिए पूरा गच बारिश के वजह से कैसा हो गया। इसमें इतने फूल लगे थे कि नहीं, वो मुनगा गच का सब कैसा हो गया। इधर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, अमरूद है क्या, है अमरूद एक ठो, क्यों हम लोग के लिए, हम लोग क्या पाप किए हैं, अमरूद तोड़े एक ही ठो मिला ही नहीं, क्या उतना सारा मिला है, अमरुद चोर। फिर बारिश होने लगा, ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। थोड़ा कच्चा कच्चा काट का मेरे लिए तोड़ दीजिए, उधर बहुत पका पका, एक तो मिठू का पका वाला तोड़ लीजिए। तो देखिए गाइस, बारिश पूरा दो दिन हो गया है, बारिश नहीं रुक रहा है। दो दिन क्या, तीन दिन हो गए बारिश ही नहीं रुक रहा है। देखिए फिर हो रहा है, देखिए आप सबको दिखता होगा कि नहीं कैमरे में, लेकिन हम लोगों को दिख रहा है। अधर एक इंसान पूरा अमरूद चुराने में लगे हुए हैं। क्या हो गए, क्या भूल गए हैं। तो बारिश की वजह से तुलसी जी साइड में हो रहे थे, पूरा गिर चुके हैं। ये मेरा तुलसी जी सूख गए हैं, उनको कार्तिक में ये कर रही थी तो सब मना किए, तब भूल भी गए हैं। क्या करें, छत पर से लकड़ी खोज रहे हैं। तो चलिए यही है मौसम का हाल। हाँ तो चलिए आगे क्या दिखाती हूँ दिखाऊंगी, बने रहिए ब्लॉग में। और बारिश का हम भी थोड़ा सा मजा ले ले, ठीक है, अमरूद खा ले। तो फ्रेंड्स ऐसा ज्यादा पका हुआ नहीं अमरूद मुझे अच्छा लगता है, मस्त लगता है मीठा ये अमरूद। ऐसे भी इस गच का अमरूद जो है ना बहुत मीठा लगता है, पूरा पका हुआ अच्छा नहीं, बहुत सेब जैसा पूरा मीठा लगता है अमरूद। बाबू ठीक है फ्रेंड, सॉरी आप सबको नहीं पूछी, पूछने से भी आप सबको थोड़ी ना मिल जाता, इसलिए नहीं पूछी। आपके यहाँ अमरूद होगा तो खाते हैं, आप सबको पसंद है कि नहीं अमरूद, मुझे तो बहुत पसंद है। सारे सब फल मुझे, मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ जितना कि अमरूद मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। फिर मिलती हूँ, क्या करती हूँ आप सबको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैं शाम का टाइम है और लाइट अभी जस्ट चला गया, जैसे ही मैं ब्लॉग चालू करने के लिए बोली कि अब ब्लॉग चालू करती हूँ तो लाइट चला गया। तो शाम के बज रहे हैं 5:15 हो रहा है, तो मैं इधर चाय, ये देखिए मेरी चाय बन रही है। और ये कुकर में मैंने बैठा रखा है आलू, क्या बोलते हैं,
आलू चॉप बनाऊंगी और शायद ब्रेड चॉप भी बनाऊंगी, अभी तक ब्रेड आया नहीं, अगर आ जाएगा तो ब्रेड चॉप भी बनाऊंगी, नहीं तो आलू चॉप बनाऊंगी। मतलब भोजन पटाटा बड़ा कहते हैं, अलग अलग टाइप का कहते हैं, हमारे यहाँ तो आलू चॉप ही कहते हैं। और बर्तन पड़े हुए हैं गाइस, लेकिन डर लग रहा है धोने में, इतना ठंडा बारिश हो रहा है, बहुत ठंडा पड़ रहा है, हाथ पूरा कुकुर जा रहा है, फिर भी धोना तो पड़ेगा। पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग में, फिर दिखाती हूँ आलू चॉप बनाने का। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सब मैंने आलू चॉप के लिए तैयारी कर लिया है। ये चोखा, मतलब आलू चॉप का जो चोखा होता है ना, उसको बनाया, तो इसमें मैंने क्या अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूटा था और प्याज से छौंक लगा करके धनिया पत्ता मीट मसाला ये सब डाल करके मतलब भून लिया है। दिखा दे हमें, ये देखिए भून लिया है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और मेरे बच्चे ऐसे ही ले लेके खा रहे हैं। इधर ब्रेड चॉप के लिए भी मैंने तैयारी कर लिया है, इसके अंदर आलू का फिलिंग भर दिया है और सॉस डाल दिया है, तो इसको बेसन में छानूंगी, मतलब छानू ये करके डीप करके छानूंगी। और इधर बेसन तैयारी कर रखा है, देखिए बेसन में मैंने हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर डाला है और अरारोट पाउडर डाला है। इधर ये मच्छर भी आ रहा है खाने के लिए तो चलिए जब तलूंगी तब दिखाऊंगी, ठीक है। लाइट चला गया है मेरा घर का और मेरी बेटी शूट कर रही है मेरा ब्लॉग, ठीक है, तो फिर मिलती हूँ कल, तलने का टाइम में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको डाल रही हूँ और इधर मेरी बेटी थोड़ा सा बोली कढ़ाई मांझ दे, तो मांझ रही है, वो मेरी काली वाली कढ़ाई। ये देखिए आधा डाल चुकी, मतलब तीन को डाल चुकी हूँ और डाल रही हूँ ऐसे चम्मच से डीप कर करके डाल रही हूँ, तो ठीक चलाता है। ये देखिए हाथ भी नहीं जलता है ऐसे, ये देखिए सबको मैंने डाल दिया है। आलू चॉप को मुंबई में शायद बटाटा बड़ा कहते हैं, वो जो गाना भी है ना बटाटा बड़ा, उधर मेरा मिठू से मेरा बेटा बात कर रहा है। चलिए निकाल लेती हूँ तब दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आलू चॉप पहला वाला जो मैं डाली थी वो पूरा सुनहरा रंग में हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, तो इसको निकाल दे रही हूँ मैं। पूरा मस्त कलर आया है, चलिए निकाल के दिखा। फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़ा भी मैंने डाल दिया बेसन में डीप करके, वो दिखा नहीं पाई, लाइट पटानी बार बार जा रहा है और आ रहा है। ये देखिए आलू चॉप मैंने पूरा छान लिया है और इधर बस इतना छानना है, इतना बेसन बचा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, देखती हूँ लाइन आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ब्रेड चॉप भी बन गया, आलू चॉप भी बन गया और मैंने थोड़ा मिर्ची को भी तेल में भून दिया और इसमें चाट मसाला और नमक मिला दिया है। और ये रहा मेरा चटनी, लहसुन मिर्ची अदरक धनिया पत्ता और टमाटर। इधर देखिए लास्ट में बच गया तो मैं सारा बेसन डाल दी, तो मेरा ब्रेड पकौड़ा का शक्ल देखिए कितना खराब हो गया तब सबके लिए, तो अभी तक लाइन भी नहीं आया, तो अब सबके लिए जा रही हूँ निकालने, सबको दे दूँ, सब खा लेंगे, उसके बाद से देखती हूँ खाना बनेगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा थाली सज गया है, चार लोगों का चार कटोरी चटनी, और ये मिर्च है और ये है आलू चॉप और ब्रेड चॉप, और यहाँ मेरा मिठू के लिए मैंने कुरकुरे वाला एक बना रखा है जो अभी देंगे, तो दे दे हनी, दे दे। इन सब को खाने वाले हैं ये इंसान, हाँ ये सब खाएंगे, खा के दिखाइए सबको, एक बार टेस्ट बताइए। देखिए गाइस मैं पीछे से ले ले रही हूँ गाइस लाइट नहीं है, हाँ मिर्ची भी खाइए, सारा मिर्च मेरा है, हाँ सारा खा जाएंगे, हाँ, हाँ, है, सारा मिर्च खाऊंगा, हाँ ठीक है सब खा जाइए।
आलू चॉप भी खाइए। किस अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसकी बीबी इतना जबरदस्ती खिलाती है? मैं खिला रही हूँ। और देखिए पड़ोसन खिलाती है, पड़ोसन नहीं खिलाएगी मैं जानती हूँ। आप खाएंगे ही नहीं, उस लायक ही नहीं है पड़ोसन। ठीक है तो ठीक है, आप लाइट में आ रहे हैं तो आप ब्लॉग का एंड भी कर दीजिए इसके साथ। लाजवाब है। तो गाइस शकल तो मेरा दिख नहीं रहा है, तो ये आलू चॉप और ब्रेड चॉप के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड भी कर रही हूँ। आज का मेरा ब्लॉग मतलब ये ब्लॉग आलू चॉप और ब्रेड चॉप स्पेशल ब्लॉग आप सबको पसंद आए। इसकी रेसिपी तो मैंने दिखाई नहीं है, थोड़ा बहुत ही बस दिखाया है बस ऐसे ही। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ओके बाय। नीतू भी खा, सब यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मेरा ब्लॉग का एंड करने का, इधर ही आइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।